नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने MTD न्यूज़ चैनल में। तो जी हां दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं हरिद्वार में घूमने की सबसे अच्छी जगह और दर्शनीय स्थल। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ऐसे ही आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि दोस्तों आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। तो अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको हरिद्वार में घूमने की जगह कौन कौन सी है के बारे में जो जरूर पता होना चाहिए, हम आपको इस वीडियो में हरिद्वार टूरिज्म की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हरिद्वार या हरिद्वार को हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता। यही कारण है कि यह शहर अपने धार्मिक महत्व के कारण अधिक लोकप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के इसी स्थान पर अपनी जटा खोलकर गंगा नदी को मुक्त किया गया था। गौमुख से 253 किलोमीटर तक बहने के बाद गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। इस कारण हरिद्वार को इसके प्राचीनतम नाम गंगा द्वार था। माना जाता है कि उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के साथ ही हरिद्वार भी उन 4 स्थलों में से एक है जहां आकाशीय पक्षी गरुड़ के घड़े से अमृत की बूंदें छलकी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके हरिद्वार में घूमने की प्रमुख जगह। नंबर 1, हर की पौड़ी। हरिद्वार के 5 मुख्य पवित्र स्थलों में से एक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है। दूसरा, हिल्ला वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों हरिद्वार पर्यटन स्थल में यह भी जगह एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित चिला वन्य जीव अभ्यारण्य 249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको हाथी की सवारी के साथ ही काफी करीब से वन्य जीव को देखने का मौका मिल सकता है। तीसरा, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के मुख्य टाउनशिप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्ला पर्वत के ऊपर स्थित मनसा देवी उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों मनसा देवी का मंदिर पर्वत पर होने के कारण इसलिए निचले स्टेशन से केबल कार या रोप वे द्वारा मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। यह मंदिर जमीन से 178 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरिद्वार में घूमने का पिकनिक स्पॉट क्रिस्टल वर्ल्ड। क्रिस्टल वर्ल्ड को हरिद्वार का बेस्ट एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है। गंगा की पवित्र भूमि में 18 एकड़ भूमि पर फैले क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क में 18 से अधिक रोमांचकारी जल की सवारी कर सकते हैं। 5वां, भारत माता मंदिर। इस मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस धार्मिक मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने की थी। 1983 में इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। 6ठा, सप्तऋषि आश्रम। यह आश्रम हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। इस स्थान पर सप्त सरोवर यानी सप्तऋषि कुंड भी है। 7वां, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। हरिद्वार राजमार्ग पर कनखल में स्थित पतंजलि योगपीठ दुनिया भर में सबसे बड़ा योग आश्रम है। संस्थान ऋषि रामदेव की प्रमुख परियोजना है और इस केंद्र में योग और आयुर्वेद पर शोध किया जाता है। 8वां, पारस शिवलिंग। दोस्तों यहाँ पे पूरे मंदिर को भगवान शिव के शिवलिंग से सजाया गया है और जो कि शुद्ध पारे के 151 किलो से बना हुआ है। यह मंदिर हजारों भक्तों और तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रतिवर्ष सजाया जाता है और इसे पारदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि हरिद्वार में कौन कौन सी जगह घूमने की है। मैं आपको बताता हूँ कि हरिद्वार आप कैसे पहुँच सकते हैं। हरिद्वार भारत के उत्तर में स्थित है। तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। आप हवाई जहाज, बस या ट्रेन जरिए भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो गुड बाय दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।